हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट शेड्यूलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इट्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सेवन सेमेस्टर। नाउ व्हाट इज शेड्यूलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? शेड्यूलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, the construction scheduling is a graphical representation which show the phasing rate of construction activities with the starting and completion date and the sequential relationship among the various activities. Okay. Scheduling construction project mein ek aisa graphical representation hai jisme hum dikhate hain jo bhi project hamara start hua hai, start ke sath sath जो भी उसमें वर्किंग चल रही है, वर्किंग के साथ साथ जो भी उसका सीक्वेंस है वो हम रिलेशन दिखाते हैं किन्हीं एक्टिविटीज के बीच में। और ऑपरेशनल इन अ प्रोजेक्ट सो दैट वर्क कैन बी कैरिड आउट इन एन ऑर्डरली एंड इफेक्टिवली मैनर। तो ये हम इसलिए दिखाते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा वो स्मूथली हमारा प्रोग्रेस करते रहे। Scheduling in construction project is the process of listing of task, activities, milestone with a planned start and finish date. Scheduling construction process एक process है जिसमें हम list out करते हैं सारे के सारे task को और activities को और milestone, you can say milestone, with a planned start to finish date. प्लान के साथ साथ उसका स्टार्टिंग से लेके कब वो फिनिश होगा ये सारी हम यहाँ पे शेड्यूलिंग करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। हम इसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। Proper scheduling would ensure the completion of the project on time and within budget. जैसा कि हम जानते हैं जो कंसेंट थ्योरी है हमारे पास, तीन कंसेंट थ्योरी थी, टाइम, बजट एंड स्कोप। तो यहाँ पे टाइम और बजट को हम ध्यान में रखते हुए सारी सारी एक्टिविटीज का रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं और एक ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपको पहले परफॉर्म करना है, जस्ट उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो ये एक सीक्वेंस है। ओके, नॉट ओनली डज इट आउटलाइन द फेज ऑफ द वर्क बट ऑल्सो हाउ द टास्क आर एग्जीक्यूटेड। You can see scheduling of any project or activity. Here, x direction represent the time or days that you want to end of the work, and in y direction represent the job or activities. किसी भी project का हम अलग अलग task में divide करते हैं, जैसा हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ पढ़ा था वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हम सपोज करते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को हमने ए बी सी डी ई एफ जी पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने ए एक्टिविटी जो होगी हमारा वो एक्चुअल में कितने दिन तक यहाँ से चलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए एक्टिविटी जो है यहाँ पे 10 डेज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, 10 डेज। साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे बी जो एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी को ए के साथ साथ ही यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बी जो एक्टिविटी है वो साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगी। यदि हम बात करें सी एक्टिविटी, तो सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब हमारा बी जो वर्क होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा।
बी वर्क कंप्लीट होने के बाद हमें सी वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। विद एग्जांपल यदि हम लेते हैं, जैसे यदि आप किसी भी साइट पे बिल्डिंग आपको बनाना है तो साइट प्रिपरेशन पहले तो करना पड़ेगा। सपोज हम ए एक्टिविटी को लेते हैं साइट प्रिपरेशन, प्लस बी एक्टिविटी को हम ले लेते हैं एक्सकवेशन के बाद ही हम यहाँ पे फाउंडेशन कर सकते हैं। तो हम सी एक्टिविटी को ले लेते हैं एज अ फाउंडेशन वर्क। तो फाउंडेशन वर्क हम कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम फाउंडेशन वर्क यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी, किसी भी प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी एंड एफ एंड जी एक्टिविटी। एक्स डायरेक्शन में आपको शो कर रहा है यहाँ पे टाइम और डेज, 0 से 5 days, 5 से 10 days, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 30 days। तो यहाँ पे हमें रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो ए एक्टिविटी है वो हमारा यहाँ से टोटल 10 days लेती है, 10 days लेती है, लेकिन जो बी एक्टिविटी है समथिंग अराउंड 6 to 7 days यहाँ पे लेती है, और सी जो एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होगी, जब आपका बी वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग, साथ ही साथ यदि हम डी की बात करें तो डी हम एक्टिविटी बी के खत्म होने से पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे एक डायग्राम, तो जो डी एक्टिविटी है वो हम बी के खत्म होने के पहले भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि बात करें ई एक्टिविटी की, तो ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब आपका वर्क ए कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से वर्क ए आपका जब कंप्लीट होगा तो आपका यहाँ से ई एक्टिविटी विल स्टार्ट। नाउ एफ एक्टिविटी की यदि बात करें या एफ जॉब की हम बात करें, तो ये कब स्टार्ट होगी, जब हमारे पास बी एक्टिविटी का जो भी वर्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही बी एक्टिविटी एंड होती है तो हम सी एक्टिविटी और एफ एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जी एक्टिविटी जो होगी वो हमारी ए एक्टिविटी खत्म होने के बाद या फिर एफ एक्टिविटी के जस्ट आप पहले इसको स्टार्ट करके लास्टली अराउंड 27 और 28 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन दिखाता है, शेड्यूलिंग एक रिलेशन दिखाता है एक्टिविटीज और उनके टाइम ड्यूरेशन पे कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट होने वाली है। ओके, एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स लाइक दिस, साइट प्रिपरेशन एंड लेबलिंग एज वी डिस्कस्ड बिफोर, एक्सकवेशन एंड पीसीसी, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, स्लैब, सुपरस्ट्रक्चर, कॉलम बीम, ब्रिक मैसनरी वर्क, द लिंटल ओवर, डोर विंडोज गैप्स, फ्लोर स्लैब और रूफ स्ट्रक्चर, डोर विंडो फ्रेमिंग एंड फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, एक्सटेरियर एंड फिनिशिंग। तो यहाँ पे एक्टिविटीज जरूरी नहीं कि यही एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटी यहाँ पे चेंजेस भी हो सकती हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, हाउ टू प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, देयर सम स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशंस, किसी भी प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे, एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन बी डिराइव्ड आफ्टर नोइंग देयर रिलेशनशिप प्रॉपरली। तो इनका सीक्वेंस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा
पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, एज अ एक्सपीरियंस। आपको यदि जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सा वर्क तो पहले होगा, उसके बाद कौन सा हम साइमल्टेनियसली चालू कर सकते हैं। नाउ द क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन हैज बी कैलकुलेटेड। तो जो क्वांटिटी ऑफ वर्क होगी नंबर ऑफ डेज में, कि कितने दिन में कौन सी ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये इसका डाटा भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज द डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू बी कैलकुलेटेड। दिस कैन बी डन फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व एंड द रेट ऑफ परफॉर्मिंग ईच वर्क। We have importance of scheduling construction project. कुछ importance क्यों हम इसको करते हैं? It gives the quantity of work involved, labor, material and equipment for each stage of work. The actual progress of the work can be checked. The project can be carried out in a systematic manner using scheduling. Now, what is the advantage of scheduling? Advantage of scheduling is by studying the scheduling of any work and many alternatives method of excavation, we can choose the best one. It give a clear idea regarding the required man, material and equipment at different stage of the work. Since the starting time of each work is known, proper arrangement and requirement can be done prior the starting of the work. Resource utilization is optimized. Actual progress of the work is monitored with the actual plan. Interrelationship of various activities at different stages are known, thus we will be able to fix them according to their priority. Total duration of complete project is known. जो भी project की complete duration होगी वो हमें पहले ही पता चल जाएगी according to scheduling, construction scheduling. And classification of scheduling is can be classified into different types according to the requirement for which is done, such as material scheduling, labor scheduling, equipment scheduling, financial scheduling and other types of scheduling. Scheduling can be done by different method depending on the size of the project. First one is bar chart or Gantt chart. Second one is milestone chart or network analysis. Now, third one is network analysis. ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों पार्ट को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।